साहब ये देखो खतरनाक, तो मारूंगा मैं हाथों, थक गए बहुत, बर्फ है, थक गए भाई चढ़ते चढ़ते, काफी पीछे रूम है, इसे तो भाई हम स्लो मोशन में कैप्चर करेंगे। तो जी फाइनली कमरा ले लिया है, कमरे का और व्यू आप लोगों को दिखा देते हैं। ओ भाई देखो कितनी गिर गई स्नोफॉल टॉप पे, आप देखिए देख असली वाली भाई साहब, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा आप लोगों को। 23 मिनट हो गए जो है भाई स्नोफॉल जो है लगातार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट भाग चुकी है, बाहर हो रहा है स्नोफॉल। तो गाइज इस वाले होटल में हमको मिली है सब्जी, आलू गोभी, दाल, राजमा है। गुड मॉर्निंग गाइज, 1 फरवरी 2024 को सुबह 7:30 उठ चुके हैं भाई, रजी में बैठे थे अभी तक। चलो आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का नजारा कैसा है कैसा नहीं। गाइस पैसों की कमी होने के कारण जो है ये काम भी करना पड़ रहा है। तो भाई हम जा रहे हैं नीचे बर्फबारी में कुछ फोटोशूट वगैरह करने के लिए अगर पॉसिबल हुआ तो। तो गाइस 8:52 हो चुके हैं सुबह के और बाहर देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है। तो भाई बाहर तो बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म चल रहा है प्लस स्नो स्टॉर्म। देखो भाई क्या हाल हो रहा है हमारा, और फाइनली हम नारकंडा पहुंच चुके हैं, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी जा रहे हैं हम कमरा देखने, चलो आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ कैसे रास्ते से होके हम जाएंगे। हिसाब ये देखो खतरनाक, इस पर मारूंगा मैं हाथों, थरी में बहुत बर्फ है और नीचे भाई पानी ही पानी पड़ा, ब्लैक आइस जमी पड़ी। सुपर यह है गजब, देख कितनी भाई साहब पूरे हाथ की बर्फ है, यानी कि भयंकर बर्फबारी हुई भाई, यहाँ पूरी गाड़ी ढकी पड़ी, पानी घुस गया ग्लव्स में। और भाई इधर कहीं होटल है, ओहो नजारा भाई साहब, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, अगर फिसल गए तो सीधा नीचे जाएंगे क्योंकि चढ़ाई भी है और बर्फ जो है जमी पड़ी। और ये देखो भाई सारे में बर्फ ही बर्फ, ये देख पूरी ढकी पड़ी है। कमरा भाई इन्होंने हमें बताया लगभग 1100-1200 रुपये में, जिसमें हीटर भी देंगे, गर्म पानी भी देंगे, गीजर वगैरह, और शाम का खाना भी देंगे सबसे बड़ी बात। ठीक है अभी डिटेल से बात करेंगे होटल के बारे में और यहाँ के प्राइस वगैरह के बारे में, क्योंकि पसंद आने के बाद हम उसी हिसाब से बात कर लेंगे। और ये देखो बर्फ ही बर्फ है, ये देखो अगर मैं जूता दसाऊँ ये धस गया था, एक अंदर चला गया, बर्फ जो है चिड़ चिड़ कर रही जूतों के नीचे आने के बाद। तो पहले तो हम कमरा देखेंगे, पसंद आ गया तो आपको पूरी डिटेल बता देंगे, नहीं आया तो और कुछ ऑप्शन बताएंगे आपको, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह करोगे ना आप 101% आपको महंगा ही मिलेगा। ठीक है जी, थक गए भाई चढ़ते चढ़ते, काफी पीछे रूम है, पता नहीं दोस्त को पसंद आएगा नहीं आएगा, जैसा भी रहेगा बता देंगे। अरे देखो नजारा, ओहो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। आज तारीख है 31 जनवरी, ये इसे तो भाई हम स्लो मोशन में कैप्चर करेंगे बाद में, भाई साहब इधर ध्यान देना पड़ेगा। चलो जी रूम पे पहुंच के कॉल करता हूँ आपको, कॉल बोले थे मिलते हैं रूम पे पहुंच के। तो जी फाइनली कमरा ले लिया है, कमरे का और व्यू आप लोगों को दिखा देते हैं। छोटा सा प्यारा सा कमरा है, डिसेंट बिल्कुल, दो बंदों के लिए परफेक्ट है, कपल के लिए, इवन दो बच्चे भी इसमें इजीली रह सकते हैं। तो कमरा तो छोटा सा ही है बट बहुत अच्छा है। ठीक है सामान रखने की पूरी जगह ये है, टॉयलेट इधर है भाई, ये गीजर लगा हुआ है गर्म पानी आएगा, सिंक है, टॉयलेट है, नहाने की जगह है, यहाँ पे भी सामान रखने की है, तो बहुत अच्छा है, पसंद आया भाई हमें रूम। और बाकी बाहर का नज़ारे की बात करें तो भाई बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, अरे लोगो क्या बोला तूने, ये देखो अभी क्लियर हो गया बिल्कुल, सारे में बर्फ पड़ी, पेड़ पौधों पर सब जगह टू जेड। बाकी भाई ये देखो गमले वगैरह सब भरे पड़े, सब कुछ ढका पड़ा, अभी आपको रूम की डिटेल दे देंगे थोड़ी देर बाद। शाम के बज चुके हैं 7 और भाई हमारा एड्रेस चल रहा है धड़ाके से, इसी से सुकून मिल रहा है इस कमरे में। और भाई हमें ना यहाँ को कुछ दिखा इस दरवाजे की जो डाउन साइड है, और ये देखो अगर कुछ दिख रहा आपको, ओहो कम सा दिख रहा लेकिन स्नोफॉल होगी भाई साहब, वाओ ये देखो भाई स्नोफॉल, हाँ अब दिख रही, अरे वाह गजब नज़ारा है भाई। 7 बज चुके हैं शाम के, हाँ यार तेरी लाइट में दिख रहे हो, बहुत ठंडा लग गया भाई बहुत। ले भाई तो भाई रवि दोस्त जो है मजा ले रहा है स्नोफॉल का, गजब। तो भाई हमारा आना जो है सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, ओ माय गॉड, लेकिन बाहर आके ना एकदम चिल्ड हो गया। ओ भाई देखो कितनी गिर गई स्नोफॉल टॉप पे, मतलब बाहर जाना मतलब एकदम खतरनाक सा फील हो रहा है यार, एकदम बहुत ठंड हो गई। ले भाई कम है लेकिन स्नोफॉल है, इतनी दिख नहीं रही जितनी हमें आंखों से दिख रही है भाई साहब, एक बार मैं बाहर देख लूं, आता हूं आपको। आप देखिए देख असली वाली भाई साहब, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा आप लोगों को,
7:07 हो चुकी है, दिन है आज बुधवार और 31 जनवरी। तो ये देखो भाई कितनी स्नोफॉल हो रही है भाई, यही देखना था हम भाई नारकंडा में कुफरी मनी से इन मिला था। और देख कितनी वो चल रही हवा, हवा की वजह से अंदर तक आ रही है, मुझे ऐसा लगेगा दरवाजे तक यहाँ जमी भी लगी सुबह हमें। हाँ यार मैं बहुत देर से बताना चाह रहा था, मैंने अपनी जैकेट घर भूल गया, सबसे बड़ा पंगा यही हुआ जैकेट भूल गया मैं घर। बाई लक मन्ना जो है कुछ पहन रखा था, दो अंदर जाना पड़ेगा, कापड़ी छूट गई गाइस। चलो भाई अंदर चलते हैं क्योंकि ज्यादा ही ठंडा हो रहा है यार, स्नोफॉल आपको दिख रही होगी कितना तिरड़े पिरड़े हो रहा है। अंदर चलो भाई, अंदर तक आ रही देखो कमरे में घुस रही भाड़े आके, बंद करो दरवाजा। तो गाइस समय हो चुका है 7:43, 7:43 और 23 मिनट हो गए जो है भाई स्नोफॉल जो है लगातार हो रही है। और ये मेरा फ्रेंड जो है भाई रवि आया है बैंगलोर से स्पेशली स्नोफॉल के लिए। तो भाई बाहर ठंड हो रही है खतरनाक वाली, बाहर खड़े हैं हम अभी स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। 7:43 हो चुका है 31 जनवरी 2024। तो भाई साहब ये देखिए स्नोफॉल का फुल मजा ले रहे हैं, कितनी जब बर्फ जम चुकी है रवि के ऊपर भाई साहब। पिछल मतलब ये देखो पैरों में जो है अभी बर्फ हटा दी, लेकिन ये देखो पूरी बर्फ जम रही है। हाँ ये देखो देख हट रही है ना, फ्रेश स्नोफॉल है नारकंडा शिमला से जो कि 60 किलोमीटर है भाई साहब। फुल मजा आ रहा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये है पानी का टैंकर, इसके ऊपर देखो कितनी बर्फ जम चुकी है रवि भाई। आसेट ये देखो भयंकर वाली बर्फ जम चुकी है, ये देखो भाई साहब खतरनाक बर्फ यार, मतलब आना सफल हो गया हमारा, यहाँ पे फोकस भी सही नहीं हो रहा है। और सुबह तक पता नहीं क्या आना जा रहा होगा, हमें खुद नहीं आइडिया है। अंदर हीटर चल रहा है हमारा, ये देखो भाई रूम खोलते हीटर चल रहा है ये वाला। 7:43 7:43 लाइव स्नोफॉल है नारकंडा में 31 जनवरी 2024। टाइम हो चुका है 7:45। चलो गाइज मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, देखते हैं कितनी देर तक स्नोफॉल रहेगी। सामने इधर बहुत सारे घर हैं, दिखे थे हमें मतलब जब मौसम क्लियर हो गया था अभी 7 बजे के आसपास। 20 मिनट होगी, 20 से 25 मिनट लाइव स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप किसी को आना है शिमला कुफरी में आई डोंट नो की मतलब स्नोफॉल हो रही होगी, क्योंकि हम दिन में गए थे वहाँ पे बट इतनी स्नोफॉल मिली नहीं। नारकंडा में जो है जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है। अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे, सब कुछ क्लियर कर दिया था, दोबारा से फिर बर्फ पड़ चुकी है और ये जो पोर्ट है ना ये सब भर चुके हैं स्नोफॉल से। और भाई साहब अभी तक बर्फबारी हो रही है भयंकर वाली, मतलब इसी नज़ारे के लिए हमने जहाँ पे आने का प्लान किया था और हमारा सक्सेसफुल प्लान हो चुका है। और यह है पानी की टंकी, ये देखो अभी हाथ से हटाई थी हमने सारी बर्फबारी, बट स्टिल अभी तक यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। ये देखो भाई साहब ये मतलब बहुत भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है यहाँ पे यार। और ये देखो अंदर हीटर चल रहा है, हीटर से ही यहाँ जान बचेगी। जब भी आपको कमरा लेना होगा ना तो हीटर की डिमांड जरूर करना, विदाउट हीटर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। भयंकर बर्फबारी हो रही है भाई साहब, मौसम मस्त मतलब स्टेटमेंट इतना हो रहा है कि सही से बोला नहीं जा रहा, मौसम एकदम मस्त हो रहा है भाई साहब। मैंने अपने जो है लाइट ऑन कर रखी है मोबाइल की, तभी आपको स्नोफॉल दिख रहा होगा, लाइव स्नोफॉल आप देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बाकी सुबह का नज़ारा हम सुबह को दिखाएंगे, अभी के लिए तो। तो गाइस 8:20 8:20 हो चुका है रात के, और मेरी साइकिल बहुत फिक्की दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे लाइट भाग चुकी है। तो बाहर हो रहा है स्नोफॉल और भाई ये बजट होटल है, अरे वाह। तो भाई 2 घंटे हो गए लाइट भाग चुकी है होटल में, और हमारा हीटर भी बंद हो गया, हीटर रखा है यहाँ पे। और ये देखो भाई बस इधर रूम है खाली, भयंकर सर्दी हो रही है भाई साहब, जिसे खतरनाक वाली सर्दी का है। हीटर बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, देखते हैं कितनी देर बाद लाइट आएगी। ऑलरेडी 2 घंटे हो गए भाई लाइट भाग गई है, हालत ख़राब है, माइनस में टेम्परेचर है -2-3। तो लस्सी गाइस। तो गाइस इस वाले होटल में हमको मिली है सब्जी आलू गोभी दाल राजमा है और चावल है प्याज है और ये है कुछ रोटी, तो बस यही है दैट इज। हाँ बहुत गर्म खाना है मतलब बढ़िया एकदम फ्रेश, तो काफ़ी है यार मतलब इतना बहुत एक्सपेक्टेड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, 1 फरवरी 2024 को सुबह 7:30 उठ चुके हैं भाई, रजी में बैठे थे अभी तक। चलो आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है कैसा नहीं। ओ माय गॉड ये देखे भाई साहब, चारों तरफ सफेदी ही सफेदी है, भयंकर वाली बर्फबारी हुई रात। ओ माय गॉड अगर धूप निकल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा।
हर तरफ बर्फ ही बर्फ से पहाड़ ढके हुए हैं। माय गॉड, अभी थोड़ा सा सोच रहा बाहर जाए नहीं जाए। उतर जूतों के पैर, जूतों के पैर, पैरों के जूते सब छप गए। देखो सारा सफेद पड़ा भाई। मस्त वाली स्नोफॉल हो गई है भाई रात। और अभी तो चांसेस नहीं है, इधर है शायद, इधर कहीं को बादल हो रहे हैं क्योंकि सामने तो मौसम ओपन है। ये रही भाई फ्रेश स्नोफॉल। ये रहा टैंकर पानी का, जम चुका होगा पानी इसमें। वाह, तो भाई -4 है एंड फील्स लाइक -6, यानी कि फील्स लाइक को यू मान के चलते हैं भाई, -6 है। तो फिलहाल हम खड़े हैं -6 टेम्परेचर में और हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही। अरे भाई साहब देखो क्या क्या लग रहा है ऊपर पेड़ पे। ये चरखे बोलते हैं इनको, ये चीड़ के पेड़ है भाई, इतने बड़े बड़े। खतरनाक वाला माहौल बन चुका है यहाँ पे। तो गाइस पैसों की कमी होने के कारण जो है ये काम भी करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट ने जो है मैं वो भाई काम दे दिया है। उधर ही तो मिले गया भैया, तू क्या कर रहा है? तो भाई हम जा रहे हैं नीचे बर्फबारी में कुछ फोटो शूट वगैरह करने के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो। तार पकड़ पकड़ के निकलना पड़ रहा है भाई, क्योंकि स्टेयर्स पे जो है बर्फ जमी हुई है पूरी। लो भाई खुल गया सिम सिम। अरे वाह सही है, सफेद बर्फ, बिल्कुल बर्फ तो सफेद ही हो वैसे। गजब गजब, ये मस्त है भाई साहब। और नीचे तो और ज्यादा पड़ी, एक दिक्कत गेट बनी नहीं। चल यहाँ कौन सा ट्रैफिक चल रहा यार, बर्फ जित तो मन घुस जा। ओ थर के मालिए मार पर नहीं आए जा कुछ भी। अच्छा कौन सा दे दे, खड़ा सामने। मन के साथ भी बढ़िया फोटो होगा। तो गाइस 8:52 हो चुके हैं सुबह के, और बाहर देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है। बहुत काफ़ी तेज, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। चलो आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर अंदर बर्फ ना आए तो। ये देखो भाई साहब, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लाइट स्नोफॉल। ये तो पहली बार देखा भाई हवा के साथ बर्फ, नहीं तो जनरली सबकी बर्फ पड़ती है। तो भैया अभी रिजीव में बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनपन हो गया सबको, हाथ तो पैरों को शरीर को। तो थोड़ी गर्म माट लेके फिर शुरू करते हैं अगला प्रोग्राम। तो भाई बाहर तो बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म चल रहा है प्लस स्नो स्टॉर्म। तो इस ब्लॉग को तो बस यार यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और पता नहीं आज हम घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। जैसे भी रहेगा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल अगले ब्लॉग में आप देखेंगे कि भाई अभी तक हमारा नाश्ता नहीं आया, अब मैं जाऊंगा ऊपर, तो वो सब कुछ आपको जो है अगले ब्लॉग में दिखेगा। तो भाई बने रहिए इस ब्लॉग में और अगला ब्लॉग में भी, तब तक के लिए बाय बाय।